नमस्कार, मैं राघव मुखीज आपका स्वागत करता हूं जन्मोदय में। आज दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में स्थित वार्ड 40 में बीजेपी के स्थानीय निगम पार्षद सोना रंजीत चौधरी के द्वारा नाली और सड़कों का निर्माण कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ करने सांसद हंसराज हंस के द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए देखें हमारे संवाददाता प्रिया तिवारी की खास रिपोर्ट। लेकिन सेक्टर 41 रोहिणी में माननीय सांसद जी के निर्देशानुसार हमारे किराड़ी विधानसभा के 8 से 10 लाख की आबादी, जिनको कोई पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर कहीं पार्क नहीं है, स्कूल की कमी है, हॉस्पिटल्स नहीं है, आप सबको आज मैं बताना चाहता हूँ प्लॉट नंबर वाइज कि इस रोहिणी सेक्टर 41 में माननीय सांसद जी के निर्देशानुसार क्या क्या बनने जा रहा है। प्लॉट नंबर PSP 6/1 हॉस्पिटल सी, प्लॉट नंबर PSP 7/3 हॉस्पिटल डी, प्लॉट नंबर CF 2/3 डिस्पेंसरी, प्लॉट नंबर CF 3/5 डिस्पेंसरी, प्लॉट नंबर CF 3/6 डिस्पेंसरी, जिनको दोबारा रिपीट कर रहे थे वाइस चेयरमैन के लिए MCD के, कहने लगे नहीं अभी और किसी और को चांस दे, मैं इससे आगे बढ़ना। मैंने कहा कहे तो बोल देते हैं, कहते नहीं नहीं किसी और को भी चांस, ऐसे लोग चाहिए। इन्होंने बोला मैं अपना जितना टर्म पूरा किया है तो और किसी और को चांस मिलना चाहिए, और किसी और जगह अगर आप मेरी सिफारिश कर देंगे तो कहते मैं गुस्सा नहीं करता इस बात का मानी। हमारे बजेंद्र चौधरी यादव साहब, बजेंद्र यादव साहब, तो जगह भी बहुत अच्छी चुनी है, बाबा विश्वकर्मा जी जिन्होंने ये सारा डिजाइन किया है, मेहमान शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं। मैं बाबा विश्वकर्मा जी से सबसे पहले विनती करता हूँ, है बाबा जी ये किराड़ी के लोग भी हिंदुस्तान वासी हैं, भारतवासी हैं, ये एक दिन की बारिश भी नहीं झेल सकते, और यहाँ ये जो सामने सीन नजर आ रहा है, बहुत शुक्र है बारिश से पहले ही स्टार्ट हो गया काम, और पिछली बार भी जो जैसे चौरी साहब ने बताया है मैं खुद ही आ गया था, काफी पहले हो जाना चाहिए था कार्य, लग रहा है कि लेट हो गया है। हाँ देर आए दुरुस्त आए, 140 करोड़ खर्चने हैं, 70 करोड़ का आज प्रोजेक्ट चालू हो गया है, बाकी खर्च देंगे जब कंप्लीट होगा, तो लोकार्पण पे जरूर आना आप। और जल समस्या को लेकर भी, जल समस्या मेन है, हॉस्पिटल का मेन है, लोगों को अच्छा जन जीवन मिल जाए फिर ही मजा है, वरना ये सीन देख के तो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी गैस के, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत गरीब दुखी है जी। ये इकोनॉमी जो है जी, कोरोना की वजह से मेरा ख्याल सारा हुआ है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, अकेले भारत में नहीं है, हम कोशिश करें कि इसका सोल्यूशन हमारे पॉलिटिशियन अच्छी, अभी फेर बदल भी हुआ कुछ निकलेगा, मालिक कृपा करे, पेट्रोल डीजल और जल्दी 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 ठीक हो जाए। मेरे तो कहता हूँ कि इंडिया में किसी जगह से तेल निकलना शुरू हो जाए, ताकि मालिक हमारी लॉटरी निकल आए, हमारे मुल्क की भी इतना यानी महंगा है ये सारा कुछ, ठीक है हमें जाना चाहिए। समस्याओं के किराड़ी का टाइग लाइन किसने दिया है, इसी भी देखो ना, 6 साल से जो विधायक है उसे ये सवाल पूछिए ना कि इस किराड़ी को नरक क्यों बनाया है आपने। आज उस नरक बनाने के बावजूद भी हम अपने सीमित संसाधनों के प्रयास से ये काम कर रहे हैं कि आपने देखा है कि भी यहाँ से हम DDA के द्वारा दी गई जमीन पर आज 17 करोड़ के रोड का उद्घाटन किया है हमने माननीय सांसद जी के द्वारा, हमारे क्षेत्र की जो है निगम पार्षद सोना रंजीत चौधरी जी के प्रयासों से आज हमने किया है, आगे भी और सारे इसमें जो है स्कूल्स और कॉलेजेस और ये सारी स्कूल हॉस्पिटल्स और सारी चीज़ें बननी है, तो हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है इसका सवाल दिल्ली सरकार से जरूर पूछना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे जन उदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।